मॉर्निंग क्लास फोर्थ। ये आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है व्याकरण सोपान। तो आज हम व्याकरण सोपान का पाठ एक पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो आज हम व्याकरण सोपान का पाठ एक भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे भाषा क्या है, मातृभाषा किसे कहते हैं, और इसके साथ ही लिपि और व्याकरण का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं भाषा क्या होता है। तो भाषा की सहायता से हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर बताते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी के मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर बताते हैं। अब बोलकर और लिखकर बताते हैं तो इससे हमें क्या पता चल गया कि भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भाषा और मौखिक रूप कौन सा होता है और भाषा का लिखित रूप कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाषा का मौखिक रूप। हमने ये जाना भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो पहला रूप होता है मौखिक। मौखिक किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो जब हम मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं किसी बात को तो वह मौखिक रूप हो गया, और जब हम लिखकर बताते हैं उसी चीज को तो वो लिखित रूप हो गया। चलिए अब हम जानते हैं मातृभाषा क्या होता है। मातृभाषा होती है वह भाषा जो हम अपने घर में सबसे पहले सीखते और बोलते हैं। जो भाषा हम अपने घर में सबसे पहले सीखते और बोलते हैं वही कहलाती है मातृभाषा। जैसे आमतौर में भारत में हिंदी का प्रयोग घर में किया जाता है तो हिंदी भारत की मातृभाषा है। वहीं हिंदी तो भारत की मातृभाषा है, वहीं अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है, अंग्रेजी केवल भाषा है लेकिन हिंदी मातृभाषा है। तो हमने अभी देखा कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा है, अपने मन के विचार लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा है। चलिए अब हम बात करते हैं लिपि की। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए, भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह निश्चित है। मतलब कोई ना कोई चिन्ह लगाना जरूरी होता है, आवश्यक होता है, और वो निश्चित है पहले से ही। और इन चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। मतलब भाषा को जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसी को ही लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि, हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी में। अंग्रेजी को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन में। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। वहीं उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। तो ये कुछ प्रमुख लिपियां हैं भारत की। तो हमने देखा भाषा के बारे में, और भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। ये गलत भाषा में लिखे हुए हैं, आपको इसे शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला है, ये आपका गृह कार्य है। इस कक्षा में सब बच्चा अच्छा है, मेरा किताब किधर रखा है, मैं जल्दी घर जाएगी, चाय ठंडा हो रहा है। तो ये अशुद्ध रूप से लिखे हुए हैं, आपको इसे एक शुद्ध भाषा का रूप देना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।